आईक्यू नियो 6 जो इंडिया में नेक्स्ट वीक कंफर्म लॉन्च होने वाला है। सैमसंग E4 फास्ट रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, फ्लेक्सिप ग्रेड प्रोसेसर, न्यू डिजाइन, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, स्टीरियो स्पीकर्स, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं इंडिया में लॉन्च होने वाले आईक्यू नियो 6 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ, जो चाइना में लॉन्च हुए आईक्यू नियो 6 AC का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। और दोस्तों आईक्यू पहली बार इंडिया में अपनी नियो सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये आईक्यू नियो 6 AC का बॉक्स है। जैसे कि मैंने बताया इंडिया में लॉन्च होने वाला आईक्यू नियो 6 चाइना में लॉन्च हुए आईक्यू नियो 6 AC का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। बॉक्स के लीड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पे क्लियर केस यूजर मैनुअल मिल जाता है। यह है 80W का फ्लैश चार्ज पावर एडाप्टर, ये व्हाइट कलर में टाइप C2A केबल और आखिरी में सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है आईक्यू नियो 6 फोन। फोन के प्लास्टिक रैप को हटा लेते हैं और फोन यहाँ पे इंटरस्टेलर कलर में मिल जाता है। इसके अलावा इंडिया में नियोन कलर भी मिलेगा। हाँ, लेदर ऑरेंज कलर शायद इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। फोन का बैक देखें तो बॉटम में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है और बैक प्लास्टिक का मिल जाता है। इवन फ्रेम भी यहाँ पे प्लास्टिक की मिलेगी, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, ग्लास बैक नहीं मिलेगा। वैसे बैक यहाँ पे मैट फिनिश मिल जाएगा, तो फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और कैमरा मॉड्यूल क्लाउड डिजाइन में देखने को मिलेगा। और कैमरा मॉड्यूल दो लेयर्स में मिल जाता है, एक में मेटल की प्लेट मिल जाती है जहाँ पे नियो का ब्रांडिंग मिल जाता है, साथ में AI कैमरा और OIS भी मेंशन किया गया है। और सेकंड लेयर में तीन कैमरा लेंस मिल जाता है। फोन की साइड्स देखें तो क्लाउड मिल जाती है, यानी इन हैंड फील अच्छी मिल जाएगी। फोन की थिकनेस करीब 8.5 mm की है और जो वेट है वो करीब 190 ग्राम्स के अराउंड मिल जाएगा। साथ में फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं विथ हाई रेस ऑडियो सपोर्ट। ओवरऑल फोन की डिजाइन एवरेज मिल जाएगी, कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वेट में अंडर 200 ग्राम्स है तो ये एक अच्छी बात है। आईक्यू नियो 6 में डिस्प्ले की बात करें तो 6.62 इंच की सैमसंग E4 एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है और साथ में 100% DCI-P3 व्हाइट कलर गमूट भी मिलेगा, यानी मोर नेचुरल कलर्स। और डिस्प्ले में HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है, साथ में SGS आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिल जाती है, यानी एनिमेशन और स्क्रोलिंग काफी स्मूथ मिल जाएगा। और रिफ्रेश रेट को 60-120 या तो फिर स्मार्ट स्विच मोड में रख सकते हैं। डिस्प्ले में पिक ब्राइटनेस लेवल 1300 निट्स तक मिल जाएगी, यानी सनलाइट में विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। आईक्यू नियो 6 में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1P सेंसर मिल जाता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और थर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है और फोन में मेन कैमरे से 4K वीडियो 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहां पे सैंपल फोटोज देख सकते हैं। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never. आईक्यू नियो 6 में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है, साथ में LPDDR4X RAM मिल जाती है और स्टोरेज UFS 3.1 मिल जाएगा।
और मेमोरी फ्यूजन से रैम को 4GB तक एक्सपांड भी कर सकते हैं। और इंडिया में दो वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, 8128 एंड 12256। आप यहां पे एंटीटू स्कोर भी देख सकते हैं, करीब 731,000 के अराउंड मिल जाता है। फोन में हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं, जैसे कि किंग ऑफ ग्लोरी जैसी गेम 90 FPS से खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 92.68 FPS तक मिल जाती है और 120 FPS पे खेलने पे 170.18 FPS तक मिल जाती है। मैक्स टेम्परेचर 42.3 डिग्री तक जाता है इस गेम में। पबजी मोबाइल में एवरेज फ्रेम रेट स्मूथ में खेलने पे 39.90 FPS तक मिलती है और हाई फ्रेम रेट पे खेलने पे 39.73 FPS तक मिल जाती है और मैक्स टेम्परेचर 40.6 डिग्री तक जाता है। आईकू नियो 6 में बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो एवरेज यूज पे एक दिन आसानी से चलेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वेट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा, जो बैटरी को 31 मिनट्स में ही 0 to 100% चार्ज कर देता है। आईकू नियो 6 में OS की बात करें तो ओरिजिन OS ओसन पे चलता है, जो बना है एंड्रॉयड 12 के ऊपर, जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो काफ़ी तेजी से फोन को अनलॉक कर देता है। आईकू नियो 6 की प्राइस की बात करें तो चाइना में बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीस में करीब 23,000 से शुरू होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा सुनने में आया है कि बेस वेरिएंट की प्राइस करीब 29,000 से शुरू होगी। कंक्लूजन पे आए तो डिस्प्ले सुपर मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी फ्लेक्सिबल लेवल का मिलेगा, चार्जिंग फास्ट मिल जाता है, कैमरा भी एवरेज कह सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर 25,000 के अराउंड आता तो इस सेगमेंट में बेस्ट फोन हो सकता था। खैर, देखते हैं इंडिया में कौन सी प्राइस में लॉन्च होता है ये। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं आईकू नियो 6 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला कि वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं।